हेलो गाइस, आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल इन येट अनदर सेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th सीबीएसई एंड आईसीएसई व्हिच इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 5 इन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इट्स यूनिट, हाउ इज इट मेजर्ड. ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में. इससे पहले अगर आपने 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं सो काइंडली गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो और प्लेलिस्ट ऑन द चैनल जहां सारे वीडियोस दिए गए हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए हैं लेक्चर 1, 2, 3, 4 का. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर. हेडिंग दीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मींस, देखिए यहां पे हम लोग बात करेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर में बात की है पोटेंशियल का. पोटेंशियल में बात किए थे अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ऑन अ कंडक्टर, उसे बोल रहे थे क्या पोटेंशियल. अब यहां बात कर रहे हैं डिफरेंस की. डिफरेंस दैट मींस की क्या हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंस निकालो 8 और 5 का. 8 और 5 का जब आपसे बोला जाता है डिफरेंस निकालने के लिए तो आप क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोलते हैं 3, दोनों का डिफरेंस. यहां भी बात करेंगे डिफरेंस की. डिफरेंस दैट मींस दो पॉइंट्स के बीच में क्या चेंजेस है, क्या वेरिएशन है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस. यहां दो पॉइंट का बात होगा और दोनों पॉइंट डिफाइंड होने चाहिए. सो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बात करेंगे एक कंडक्टर के लिए और क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर टू अनदर पॉइंट. एक पॉइंट कंडक्टर के एक पॉइंट से, लेट से ये एक कंडक्टर है, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी. पॉइंट ए से पॉइंट बी में हम लोग लेकर के आ रहे हैं इस डायरेक्शन में क्यू चार्ज. तो इस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट लाने में जितने वर्क को करना पड़ा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज ऑफ पोटेंशियल. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज चेंज ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ टू पॉइंट्स. किन्हीं दो पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होता है उसको भी बोलते हैं क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. पॉइंट ए पे जो भी पोटेंशियल हो, यहां पे कुछ पोटेंशियल हो सकता है, क्या हो सकता है, बात किए थे पोटेंशियल को, बोले थे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज डब्ल्यू अपॉन क्यू. बोले थे बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कितना वर्क डन किए हैं कितने चार्ज के लिए उसी को बोल रहे थे पोटेंशियल. तो यहां पर कुछ पोटेंशियल लेट से है क्या, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है लेट से वी ए है और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज वीबी. तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल को हम लोग डेल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस डेल का मतलब होता है डेल या फिर डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज. क्या मतलब होता है, चेंज. और डेल वी का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, क्या, चेंज इन पोटेंशियल. तो इसको बोलते हैं दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, दैट इज यहां से बोल सकते हैं वीए माइनस वीबी. अब ये देखते हैं कि ये आया कैसे. तो यहां पे क्या होता है, जैसे कि बोले कि ये डेल वी, तो वी का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू अपॉन क्यू. तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे हैं.
उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल के लिए क्या बोलेंगे, चेंज इन वर्क डन अपॉन क्यू। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये डेल डब्ल्यू का मतलब, डेल का मतलब चेंज और डब्ल्यू का मतलब वर्क डन। इसका मतलब ए से बी जाने में कितने वर्क डन का चेंज हुआ, कितने कामों का चेंज हुआ, यहां पर क्या काम किए थे, क्या वर्क डन था और यहां क्या वर्क डन है, उसी को बोल रहे हैं डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डब्ल्यू एट ए माइनस डब्ल्यू एट बी, ठीक है। सो दैट इज डेल बी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहां से हम लोग क्या बोले, डब्ल्यू एट ए माइनस डब्ल्यू एट बी अपॉन क्यू बोल सकते हैं, यहां से इसको यहां लिखिए। अच्छा अब यहां से क्या बोल सकते हैं, देखिएगा डब्ल्यू ए अपॉन क्यू माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, दोनों का ये डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्यू आ जाएगा। इसका मतलब अगर यहां पे बोले तो अब देखिए ये वाला एक पर्टिकुलर क्या है, वर्क डन अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू को क्या बोलते हैं वी, क्या बोलते हैं वी। सो वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट वी ए माइनस दिस इज वी बी, इसी को तो बोल रहे थे। कैसे आया इसको डिराइव कर लिए, कैसे डिराइव किए, सो ये पार्टिकुलर एक फॉर्मूला, एक सीक्वेंस को फॉलो किए और फॉलो करते हुए इस फॉर्मूले को हमने यहां पर डिराइव भी कर लिया, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना इसका मतलब दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, दैट्स इट। अच्छा अब बात करते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका जो यूनिट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट का बात किए थे वोल्ट, इसका भी जो यूनिट होता है वो भी होता है क्या, वोल्ट। एलेक्जेंडर वोल्ट के नाम पर इसके यूनिट को रखा गया है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम यूनिट होता है, दैट इज वोल्ट। इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं एंड दैट डिवाइस इज वोल्ट मीटर। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिवाइस जिसका नाम है वोल्ट मीटर। सो इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। जैसे कितना करंट एक कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते थे एमीटर, यहां पर उसको मेजर करने के लिए, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे वोल्ट मीटर। अच्छा ये भी बात क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम लोग एमीटर को कैसे कनेक्ट करते थे, एक सीरीज जैसे था, ये मान लेते हैं लेट से एक इलेक्ट्रिक सर्किट था हमारा, ये लेट से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट था। सो हम क्या करते थे, एमीटर को कहीं इसके बीच में लगाते थे, कहीं बीच में लगा देते, क्यों, वहां पे बोले थे कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में लगा देते, ये एक लाइन से बस जैसे जा रहा है उसी के बीच में कहीं काट करके तार वहां पे एमीटर जोड़ दिए, क्यों, ताकि ये टोटल करंट को आसानी से मेजर कर सके। बट यहां पर जो वोल्ट मीटर होता है इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं रखते, कैसे रखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो दो एंड पे ज्वाइंट करते हैं जहां पर हमें वोल्ट मीटर सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, उन दो पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर को लगा देते हैं, वहां मेजर होता है पोटेंशियल। जैसे ये रहा आपका ये बल्ब, इस बल्ब के दोनों एंड पे आपको मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करेंगे, इस दोनों एंड पे, तो इसको मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल होगा वी और यहां पर होगा वी, दोनों का सब्ट्रैक्शन ये देता है, जैसे वी ए माइनस वीबी देगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको मेजर करने का सबसे आसान तरीका है, यहां से एक तार लीजिए और एक वायर, यहां से दो वायर इस तरीके से लेंगे और यहां पर हम एक डिवाइस लगाते हैं जिस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को ऐसे कैसे लगाए, क्या बीच से तार काट करके लगाया है, नहीं, तो दो अलग से वायर लाए और वहां पर लगा दिए, यहां पर देखे तो ये वाला और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो वी कैन से दैट वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने हैं, दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग लाते हैं वोल्ट मीटर एंड बाय दिस प्रोसेस वी कैन मेजर द चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। सो अब हम बात करें कि इस इक्वेशन को यूज करके, वहां पर भी प्रीवियस लेक्चर में भी बात किए थे कि व्हाट इज वन वोल्ट पोटेंशियल। सो वन वोल्ट पोटेंशियल इज नथिंग बट, यहां पे क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहां पर बोल देंगे इफ वन जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ वन कूलम ऑफ चार्ज, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वन वोल्ट पोटेंशियल। क्या? वन वोल्ट पोटेंशियल। वन वोल्ट पोटेंशियल का मतलब इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ वन कूलम ऑफ चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि हमने बात किया था कि एमीटर, जो यहां पर एमीटर हम कनेक्ट करते थे, कि एमीटर जो होता था इसका रेजिस्टेंस को हम लोग लो रखते थे। क्या करते थे? रेजिस्टेंस को लो रखते थे सो दैट इट कुड मेजर द होल करेंट पासेस थ्रू इट। क्यों? अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि एमीटर के रेजिस्टेंस को लो क्यों रखा जाता। देखिए, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये करेंट को ज्यादा रोकेगा। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई हमें आके रोक रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। तो यहां से करंट जा रहा था, ऐसे करंट जा रहा था, अगर यहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा करंट को रोकेगा। अब ज्यादा करंट को रोकेगा तो एमीटर क्या एक्चुअल मेजरमेंट ले पाएगा? नहीं। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया, ज्यादा से ज्यादा करंट को रोक दिया। अब कम करंट एमीटर के पास पहुंचेगा, जितना पहुंचेगा उतना ही तो मेजर करेगा। इसका मतलब ये कैसा रीडिंग देगा? रॉन्ग रीडिंग। कैसा रीडिंग देगा? रॉन्ग रीडिंग। तो इसलिए एमीटर के रेजिस्टेंस को क्या रखा जाता था? लो। बट इन द केस ऑफ वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इसका होता है वेरी हाई। क्या होता है? वेरी हाई। सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज केप्ट टू बी वेरी हाई। इसके जो रेजिस्टेंस होते हैं वोल्टमीटर के, वो क्या होते हैं? काफी ज्यादा हाई होते हैं। काफी ज्यादा क्या होते हैं? हाई होते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा एक अर्थ है, एक हमारा क्या है? अर्थ है। अर्थ भी एक, कई बार वहां से भी पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट, जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं कि अर्थ को कैसे रिलेट करें। ठीक है, अर्थ के थ्रू भी हम लोग कुछ पोटेंशियल को मेजर करते हैं, है ना। वहां पर बात करते हैं क्या कि अर्थ एक बहुत बड़ा चार्ज का रिजर्वायर होता है। ठीक है, अर्थ क्या होता है? चार्ज का बहुत बड़ा, इतने जो मास, जो बहुत बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट एक अर्थ है, उसमें बहुत सारे चार्ज होते हैं। तभी तो हम लोग अर्थिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ेंगे। जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको वो सारी चीजें पढ़नी है। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, क्या अर्थ का जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग किस तरीके से रखते हैं, हाई रखते हैं या फिर लो रखते हैं, उसका हम लोग बात यहां पर करते हैं। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इज केप्ट टू बी, नोट कीजिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इज केप्ट, या फिर हम लोग यहां पे बोल सकते हैं केप्ट के जगह पे बोल सकते हैं टेकन टू बी जीरो। अर्थ के पोटेंशियल को हम लोग क्या लेते हैं? जीरो। अर्थ का जो पोटेंशियल, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ, सॉरी यहां पे रेजिस्टेंस की जगह पे बात करते हैं पोटेंशियल, तो क्या बोलिएगा? द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो। जो हमारा अर्थ का पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो।
सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके क्या यूनिट्स होते हैं, इसके ये फॉर्मूला, इसको इस तरीके से हमने डिराइव भी किया। डिराइव करने के साथ साथ हमने बात किया कि इसके यूनिट क्या होता है, इसको कौन सा डिवाइस से मेजर करते हैं, इस वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर वेरी हाई रखते हैं। उसके बाद पोटेंशियल जो होता है हमारे अर्थ का वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है अर्थ का, जीरो होता है। अब बात करते हैं कि जो बैटरी है यहां पर, कि बैटरी है पॉजिटिव और ये क्या है निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। अब करेंट कहां से फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। और हम सभी जानते हैं कि वाटर, जैसे कि वाटर का दो टैंक यहां पर हो, एक टैंक में पानी ज्यादा हो और एक टैंक में पानी कम हो, तो कहां से कहां वाटर फ्लो करेगा, जिस टैंक में पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ फ्लो करेगा। तो ये क्या शो करता है कि वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां जो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, व्हाट डज इट सिंबोलाइज, ये क्या सिंबोलाइज करता है। सो इट सिंबोलाइज दैट द पॉजिटिव टर्मिनल हैविंग हायर पोटेंशियल ऑफ चार्ज। इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास क्या है, हाई पोटेंशियल है चार्ज का, तभी तो यहां से यहां फ्लो कर रहा है। जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। So we can say that the potential at positive terminal is very high as compared to that of negative निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल होता है चार्ज का वो क्या होता है, काफी ज्यादा। सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तब तक आप पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।